और हम लोग बहुत पास आ चुके 5K सब्सक्राइबर्स के, तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो का लाइक गोल रहेगा 1K लाइक का, तो ज्यादा वक्त बिल्कुल भी ना जाया करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यस ड्रेगो, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि ये प्लेयर 2B गेमर के एक अहम हिस्सा हुआ करते थे एंड ये नेपाल के खिलाड़ी हैं। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न है कि अगर कभी इंडिया में ऐसा रूल आ जाए कि कोई फॉरेन कंट्री का प्लेयर नहीं खेल सकता है, तो फिर ड्रेगो का क्या होगा, रोहित का क्या होगा, टोटल गेमिंग के रोस्टर में उनका क्या फ्यूचर रहेगा। देखिए बात यह कि अभी कोई ऐसा रूल बना नहीं है जहां पे आप नेपाल से या फिर कोई दूसरी कंट्री से, बांग्लादेश से अगर कोई प्लेयर आ रहा है और इंडिया से खेल रहा है तो वो खेल नहीं सकते हैं। अगर गरीना ऐसा रूल बनाता है तो फिर कोई अलग फ्यूचर हो सकता है इन प्लेयर्स का, तो फिर शायद इन लोगों को वापस जाना पड़ सकता है अपने कंट्री में एंड दे हैव टू प्ले देयर। बट अभी के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं एंड वो बहुत ही कंफर्टेबली खेल सकते हैं। बिकॉज देखिए जब भी कोई टोटल गेमिंग जैसी टीम या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन टीम के प्लेयर ऐसे उठाते हैं तो वो सोच समझ के उठाते हैं, तो ड्रेगो एंड रोहित परफेक्ट मैच है उनके लिए, इसलिए उनको उठाया गया। नेपाल से है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब ड्रेगो को मैंने जितना देखा है उनका मेन रोल है ग्रेनेडियर देन एन असॉल्टर। अब वो एक बहुत यंग खिलाड़ी है एंड अगर देखा जाए तो मैंने उनको गेमिंग कम्युनिटी में 2021 के मिडवे से देखा था, FFIC में एक नेपाल की टीम से खेलते हुए देखा था। उसके बाद से वो थोड़े से गायब से हो गए थे एंड देन अगेन ही केम बैक विद 2B गेमर जहां पे हमने उनका बूम बाम वाला परफॉर्मेंसेस देखा। अब रीसेंट टाइम में आई थिंक 2021 के कुछ अंत नवंबर या दिसंबर के टाइम पे ही ड्रेगो को टोटल गेमिंग में साइन किया गया। बहुत लोग तो पहले से ही बोल रहे थे, स्पेकुलेशन चल रहे थे कि अरे टीजी में आ गया ड्रेगो को देखो ड्रेगो को देखो, बट जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आते हम लोग थोड़ा सा वेट करते। जब ऑफिशियली टोटल गेमिंग ने अनाउंस किया कि ड्रेगो अपनी टीम में आ चुका है उनकी टीम से खेलेगा तो सब लोग ड्रेगो के ऊपर यू नो बहुत ज्यादा फोकस करने लगे कि कैसा खेलता है ये बंदा। यू नो जब उसने खेलना चालू किया है ये स्पेसिफिकली इन वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप फिर हमारे प्रो लीग में, तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि मतलब इस बंदे में एक रॉ टैलेंट है, रॉ अग्रेशन है, डरता नहीं है, निडर होके खेलता है एंड अपने ग्रेनेड से बहुत कमाल कर सकता है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक ये प्लेयर एक ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं, एक्स फैक्टर बन सकते हैं टोटल गेमिंग की टीम का। कि देखिए अब तो वो नेपाल में खेल नहीं रहा, अब तो वो टोटल गेमिंग में खेल रहा है। अच्छी बात यह है कि वो अभी इंडिया से आपको खेलते हुए देखने को मिलेगा और टोटल गेमिंग में खेलते हुए देखने को मिलेगा, विच मीन्स आप उनको एज एन इंडियन सपोर्ट कर सकते हो एंड हम इंडियंस तो हमेशा दोनों हाथों से वेलकम करते हैं हर एक कोई प्लेयर का, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो इंडिया के बाहर से क्यों ना हो। सो दैट डजंट मैटर, हमेशा टैलेंट मैटर करता है। आई थिंक ड्रेगो अपने टैलेंट की वजह से यहाँ पे है एंड आप लोगों ने जो ये वंडर बॉय को इतना प्यार दिया हो उनके टैलेंट की वजह से। अब 2022 में इतने सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स अनाउंस हो चुके हैं जहां पे FFIC दोनों FFIC 1 करोड़ रुपए का होने वाले, एक और प्रो लीग होगा, वर्ल्ड सीरीज होगा, टोटल गेमिंग की टीम में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस खिलाड़ी बैठा हुआ है फौजी एंड माफिया वाला जैसे, वो लोग यहां पे जरूर से ड्रेगो को गाइड करने वाले हैं इन अ मैच्योर्ड वे एंड बहुत अच्छे अच्छे फैसिलिटीज उनको मिलने वाले। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट कि अगर ऐसा अच्छा टैलेंट मिल रहा है ड्रेगो की तरह तो अगर उनको आप नरिश करोगे तो वो और अच्छा आगे जाके ब्लूम कर सकता है। सो आई फील ड्रेगो इज वन ऑफ द पोटेंशियल प्लेयर्स जो 2022 में बहुत बड़ा बन सकता है एंड शायद जैसे आज किलर एक लेवल पे आ चुका है एंड किलर एक दूसरे लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ड्रेगो भी एकदम किलर का बोल सकते हो यंगर वर्जन है जहां से ड्रेगो अपना नया पहचान बनाने वाला है इन टोटल गेमिंग एंड आई होप कि उसका 2022 यहां से यहां खत्म। एंड जरूर से आप लोगों का भी ओपिनियन बताना ड्रेगो के बारे में कि आप लोगों को क्या लगता है कि 2022 में ये बच्चा या फिर ये स्पोर्ट्स एथलीट क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उसका चेहरा इतना छोटा सा इनोसेंट सा चेहरा बट गेम में बहुत खूंखार है। आई वॉन्ट टू नो कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में एंड जरूर से वीडियो को लाइक कर दें, जैसे कि मैंने कहा 1K लाइक का गोल है, सब्सक्राइब करके ना हम लोग बहुत पास हो चुके 5K सब्सक्राइबर्स के। दिल से मस्त रहिए, मुस्कुराते रहें, स्टे सेफ गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।